फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू लड्डू गोपाल कृपा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आज आप देखने वाले हैं लड्डू और गोपाल को विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए, साथ ही आप लड्डू और गोपाल जी का प्यारा सा श्रृंगार भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का फुल्का श्रृंगार ऑलरेडी कर दिया है इनका, और इनका जो स्नान है वो भी मैंने करा दिया था। ठंड है इस वजह से मैंने जो स्नान की वीडियो है वो नहीं शूट की है। तो यहाँ पर मैंने पीछे हीटर भी लगाया हुआ है और हमारे लड्डू और गोपाल आराम से यहाँ पर रेडी होकर प्यारा सा श्रृंगार करा के बैठे हुए हैं, और बस अब हम इनके लिए तैयार करने वाले हैं यम्मी सा ब्रेकफास्ट। तो चलिए देखते हैं हम आज लड्डू और गोपाल के लिए क्या बना रहे हैं। तो लड्डू और गोपाल के लिए मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 बॉयल्ड आलू ले लिए हैं मैंने। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ती, जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, और इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च। मैं हरी मिर्च यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब बच्चों के मुंह में भी वो आ जाती है खाते हुए तो उन्हें बहुत ज़्यादा तीखा लगता है, बहुत मिर्च लगती है। तो यहाँ पर मैं एकदम ज़रा सी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा इस पे टेस्ट आ जाए, और बस अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर हम बनाएंगे लड्डू और गोपाल के लिए बहुत ही यम्मी सा स्पेशल सा आलू का पराठा। तो और वैसे भी विंटर्स में ये सारी मील्स जो हैं वो बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए ये स्पेशल आलू का पराठा बना रही हूँ, और बस अब जल्दी से इसकी हम स्टफिंग करेंगे और पराठा बना लेंगे, और फिर लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को पराठे का भोग, करेंगे हम अपने श्याम सुंदर जी की आरती, और साथ ही आप देख पाएंगे ये सारी चीज़ें। तो वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए फ्रेंड्स, और फिर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए, जल्दी से हम ये पराठा अब रेडी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं ये पराठा बेल रही हूँ, और जल्दी से हम लड्डू गोपाल जी के लिए क्रिस्पी सा यम्मी सा आलू का पराठा बना लेते हैं। तो विंटर्स में आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, क्या क्या स्पेशल मील्स बना रहे हैं उनके लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो बस अब हम यहाँ पर जल्दी से रेडी करते हैं लड्डू गोपाल जी के लिए पराठा, और ये देखिए, तो हमारा बस अब क्रिस्पी सा पराठा जो है वो रेडी हो गया है, और हम इसे थोड़ा और सेक लेंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आए, और हमारे लड्डू और गोपाल जी को ये पराठा बहुत टेस्टी लगे, बहुत अच्छा लगे, और वो अच्छे से इसका भोग लगा पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यम्मी सा आलू पराठा रेडी हो गया है। इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं माखन या दही। अब बस हम जल्दी से तैयारी कर लेते हैं आरती की, के बाद हम करेंगे आरती और फिर लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को ये यम्मी से डिलिशियस से आलू पराठे का भोग, और हमारे ठाकुर जी इसे करेंगे स्वीकार, लगाएंगे प्यारा सा भोग, और हम सभी अब करेंगे इनकी आरती। तो आप लोग भी ये आरती में ज़रूर शामिल होइए, और जो भी प्रसाद है, जो भी भोग है, ये आप लोग के लिए भी है, इसे ज़रूर ग्रहण करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब कर लेते हैं हम जल्दी से यहाँ पर आरती, और यहाँ पर मैं पूरी आरती कर नहीं दिखा रही हूँ, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये प्यारे से गोपाल जी जिन्हें मैंने रेडी किया है। कैसे रेडी किया है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाली हुई है, तो मुझे ज़रूर से बताना कि हमारे ये प्यारे से गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। और बस अब यहाँ पर मैं आरती कर रही हूँ। आरती कंप्लीट होने के बाद हम लगाएंगे लड्डू और गोपाल जी को भोग। तो यहाँ पर आरती पूरी हो चुकी है, और बस अब मैं यहाँ पर इनका जो
टेबल है, आसन है, वो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थाली रख दी है जिसमें रखा है मैंने यहाँ पर आलू पराठा, और साथ में ही मैंने एक छोटी सी चौकी रख दी है, एक्स्ट्रा प्लेट और स्पून रख दिया है। और अब हम लगा देंगे मंदिर का पर्दा, हमारे प्रभु करेंगे ये प्यारा सा छोटा सा भोग स्वीकार और भोग ग्रहण करेंगे। तो बस अब मैं यहाँ पर मंदिर का पर्दा लगा दूँगी, थोड़ी देर के लिए भोग यहाँ पर ही रखा रहेगा। तो 15 मिनट बाद फिर मैं यहाँ से भोग हटाऊँगी। तो यहाँ पर मैं ये पर्दे जो हैं मंदिर के वो हटा दे रही हूँ, और बस अब ये जो थाली है वो मैं यहाँ से उठा लूँगी, और जो भी प्रसाद है वो घर के सभी लोग इसे ग्रहण करेंगे, प्रसाद स्वरूप हम सभी इसे खाएंगे। और ये आप लोग के लिए भी है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी इसे ज़रूर स्वीकार करें। तो आशा करती हूँ लड्डू और गोपाल जी को ये प्यारा सा भोग पसंद आया होगा, इन्हें भी बहुत अच्छा लगा होगा। भोग की थाली मैंने यहाँ से हटा ली है, जो पानी है वो मैंने यहाँ पर इनके समीप ही रखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। तो बस कुछ इस तरह से था आज का मॉर्निंग रूटीन, और कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मंदिर टूर वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो, काफ़ी ऐसे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, मंदिर टूर देखना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से भी हमारा मंदिर टूर कर सकते हैं। तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि और भी सदस्य हमारी लड्डू गोपाल कृपा फैमिली से जुड़ सकें। और यदि आप लड्डू गोपाल कृपा चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, हमारे वीडियोज़ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ लड्डू गोपाल कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। फ्रेंड्स आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां चेक कर सकते हैं और मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी की प्यारी प्यारी पिक्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है लड्डू गोपाल कृपा के नाम से। तो ज़रूर से बताना फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, और यही था फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में, फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।